ये बगल वाले रूम में आई। अरे मम्मी तेरी भैंस की, मैंने देखा। प्लीज बजियो मत। ओ व्हाट, अरे यार ये तो लॉक है। मैं गया, आई होप मैं। वाओ क्या बात, आज हम फिर से जाने वाले हैं अपने ग्रैनी के यूनिवर्स में, वो भी अपने क्लासिक ग्रैनी के नहीं बल्कि उसकी, मतलब कुंभ के मेले में चूड़ी खरीदते हुए खोई हुई जो बहन थी उसके यूनिवर्स में। तो ठीक है, ज्यादा फालतू बातें हो गई। सो हे गाइस वेलकम बैक दोबारा। आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं ग्रैनी रिमेक 3.2.0 वर्जन। पिछली बार जैसे कि हमने खेला था इसका ओल्ड वर्जन, और अब गेम का अपडेट आ चुका है, मतलब कब का आ चुका था बट मैं अब खेल रहा हूँ। और हाँ, ये गेम थोड़ा और हार्ड होने वाला है, मतलब अपना जो पुराना हमने गेम प्ले किया था वो थोड़ा ईजी था और उसमें कार स्केप नहीं था, और आज हम कार स्केप करने वाले हैं, तो हम मीडियम ही खेलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो हम स्टार्ट करने वाले हैं 3, 2, 1। और ये और हार्ड हो चुका है, और इसमें हम इस बार कार स्केप करेंगे, और एक्चुअली ये मैप बड़ा भी हो चुका है, मतलब मैंने एक बार प्ले करके देखा था और कुछ दिनों पहले, और उस टाइम मैं रिकॉर्ड भी करता, ये सेम चीजें हमको नहीं करनी, हम कर चुके हैं पिछली बार अपनी गेम में। सो हम इसे स्किप करते हैं। और ओके, सो ये अपना वही पंखा 200 रुपये वाला चल रहा है यहाँ पर बहुत शोर करते हुए। इस पंखे की आवाज़ से मैं भी दुखी हुआ हूँ रियल लाइफ में। ओके सो पहले से थोड़ा अंधेरा हो गया है, हमेशा की तरह इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे मालूम है। और हाँ, पहले हम बाहर कुछ देख नहीं पाते थे ना ढंग से, कुछ दिखता नहीं था। ई से इंटरेक्ट कर तो रहा हूँ ई से, और अच्छा ठीक है, तो हम फ्लैश बंद भी कर सकते हैं अपना, ये हमको गिराने का फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर हम ये दबक के छुप सकते हैं। हम ये चेक कर ले जाके क्या? ओ भाई ग्रैनी आ रही है, आ गई वो। मेरे पैरों की आवाज कितनी ज्यादा आ रही है। वाह क्या था ग्रैनी, ये सच में हार्ड हो चुका है। मैंने कोई आवाज भी नहीं किया लेकिन हाँ मेरे चलने की आवाज बहुत आ रही थी। ओके ये हार्ड होने वाला है, मुझे लग तो रहा नहीं है कि मैं एक बार में पार कर पाऊंगा इसे। वो आ गई, वाह, और मैं चल रहा हूँ तो भी आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है भाई। वो मैं भी ऊपर गई, यहाँ पे पीस ऑफ पेपर है, मैं अगर जैसे ही उठाऊंगा तो ये आ जाएगी। हमको ध्यान रखना होगा हम क्या क्या खोल चुके हैं। ओके सो एक टायर तो अपना दिख गया यहीं पर ही है, कार स्किप करना तो अपना एक टायर यहीं पर ही है। सो मैं एक काम करूंगा, मैं इस टायर को उठा के फेंक नहीं सकता ना, वो उठा लेती है यार, बड़ी गंदी दाती है ये, सामान चोरी कर लेती है बच्चों का। बच्चा चोर नहीं है ये, बच्चा का सामान चोरी करने वाली चोर नहीं है ये, छोटी गएगी। मैं पत्थर फेंक के उसको अपने पीछे बुला तो सकता हूँ बट पीस ऑफ पेपर लेना चाहिए ताकि मेरे को एक डे मिल जाए। और यहाँ पे ये इसके ट्रैप्स हैं। ओके सो मेरे को क्राउच कर करके बार बार जाना पड़ेगा। मैंने एंटीना उठा लिया और मेरे को एंटीना ले जाके नीचे टीवी पे लगाना, लेकिन मुझे फायदा क्या, एंटीना कोई बेनिफिट ही नहीं है ना, मेरे को तो गेट स्केप करना ही नहीं है। सो मैं फालतू का ये चीज कर रहा हूँ, मुझको सिर्फ कार करना, तो मुझे यहाँ पे के लिए पहले बैटरी वगैरह ये सब चीजें कलेक्ट करनी होंगी। ओके वाह बढ़िया, मेरे को एक व्हील यहीं पे और मिल गई, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हो आप, एक व्हील, मैं छुप सकता हूँ अंदर क्योंकि ग्रैनी आएगी, अब मैंने शोर कर दिया है तो ग्रैनी तो नहीं आ। ओ ओ ये लॉक हो चुका है, क्यों भाई ये गेट लॉक है इसमें, बल्कि मैंने हार्ड तो किया भी नहीं है। ओके यानी कि इस अपडेट में ये गेट लॉक हो जाता है, वाओ यानी कि हमारे पास बस एक ही रास्ता है निकलने का, हम दूसरी साइड से उसको चकमा दे के चाहे कुछ भी करके हम बाहर जा ही नहीं सकते। अब ग्रैनी आएगी और ये पक्का यही गेट खोल कर आएगी, ये शायद इधर से आएगी। ये रही देखो गेट खोल, ओ ओ इसने लॉक कर दिया फिर से, आई होप वो ना आए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रैनी आ रही है मेरे पीछे, यहाँ पे ये इसके टीन के डब्बे पड़े हुए हैं। ग्रैनी प्लीज आइयो मत, मैंने गेट खोल दिया ताकि मुझे पता लग जाए ग्रैनी जा कहाँ आ रही है, और ताकि ऊपर आए ना, अगर तो ऊपर चली जाए तो बढ़िया, अगर ऊपर चली जाएगी ना तो हम शायद बच जाएंगे। मुझे लग रहा है ना कि मैं शायद मैं व्हील वाला काम गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए मैं यहाँ सामान इकट्ठा कर देता हूँ अपने, ताकि क्योंकि देखो ग्रैनी तो यहाँ आ नहीं सकती, तो मैं व्हील जो मेरे आसपास पड़े हुए हैं ना मैं उन व्हील्स को लाकर, ग्रैनी उधर सामने की साइड गई, ठीक है। तो मेरे पास टाइम है नीचे जाने का, बढ़िया मैं यहाँ पे सब चीज चेक कर लेता हूँ। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आ गई ग्रैनी, मैं इधर से निकल लेता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ यहाँ पर भी कुछ सामानें मिल जाती हैं। ये क्या रेडिएटर है, ठीक है चलो नीचे चलो। भाई कितना स्लो जा रहा है रेडिएटर उठाने पर भी, वाह मतलब हम रेडिएटर उठा के भी जल्दी जल्दी नहीं जा सकते, वाह क्या बात है। सो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को रेडिएटर मिल गया तो मुझे रेडिएटर को सबसे पहले जाता हूँ मैं कार वाले रूम में रखाता हूँ। मुझे पता है बाहर से जाना चाहिए था बट यहाँ से भी थोड़ा सेफ है, ग्रैनी के रूम से होते हुए जाएंगे ना, तो इसके बाद यहाँ पे देख लूँ पहले। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे एक अपना गैसोलीन भी मिल गया। सो मैं काम करता हूँ ना, दो चीजें मैं यहाँ इकट्ठी कर देता हूँ सिंपल है ना, ताकि जब अब ग्रैनी यहाँ आएगी मैं फिर इधर से निकल लेता हूँ, मुझे पता ग्रैनी उस साइड जाएगी तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। फिर मेरे को शॉवल भी लेना ताकि मैं वो गड्ढा करके बैटरी ले सकूं, क्योंकि जब पिछली बार खेला था तो वहां पे बैटरी मिली थी, तो इसमें कुछ हो जाए प्लीज प्लीज। हाँ इसमें तो कुछ देते ही नहीं आ रहे लोग, सुअर के बच्चे। ग्रैनी आ रही है इधर, नहीं
इधर तो आ नहीं सकती ना वैसे वो। यार शोर कितना कर रहा हूँ मैं, मुझे यहाँ से वो उठाना होगा सेफ की। इधर सेफ, ओके तो ये चेंज कर दिया इन लोगों ने। आई होप ग्राइन आर यू, बस ठीक है। अरे अरे हो जा उस, हाँ ठीक है, ये मैंने ट्रिक निकाली है, इसको बस बीच में माउस इस तरह कर दो और ये घुमाता रहे। अच्छा आ गया वो भाई मेरे, हाँ मखा ग्रैनी क्या है, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है स्क्रू ड्राइवर मिल गया अपने को। मैं ये शोर मचा के जाता हूँ, चुपचाप छुप जाता हूँ, बात ही खत्म। तरबूज बगल में, ठीक है तरबूज भी अपने को दिख गया है, हमें तरबूज बगल में मिल चुका है। और मैंने पता जानबूझ के शोर मचाया, दो कारण है इसका, एक तो ग्रैनी आ जाए मुझे पता लग जाए ग्रैनी है कहाँ पे, और दूसरा ये थोड़े रास्ते से भी हट जाए, क्योंकि ना रास्ते से हटाना बहुत जरूरी होता है इन्हें भाई। और ये मेरे को ऐसा भी लग रहा है पहले से बहुत ज्यादा बिछा हुआ है, मतलब पिछली बार इतना सारा नहीं था, ये जो भी इसके कैंस हुई पता, मतलब किसी भी चीज के कैन हुए, पता नहीं क्या खाती है, आ रही है वो। आई होप वो लेफ्ट में चली जाए, प्लीज लेफ्ट में चली जाइए दादी, प्लीज दादी जो दादा ही कसम प्लीज चली जाइयो। आई क्यों नहीं कभी कभार भाई, ये आती ही नहीं है। और ये देखो इस वाले अपडेट में ना ये लाइट्स हिल रही हैं, जो ऊपर टंकी हुई लाइट है ना वो में भी हिल रही है भाई। नहीं आई तो हमको स्क्रू मिल चुका है, हम स्क्रू से क्या क्या खोल सकते हैं, मेरे ख्याल से हम स्क्रू से साथ एक ही चीज खोल सकते हैं सिर्फ, और वो ऊपर के फ्लोर पे। मुझे ये नहीं पता कि ग्रैनी को मैं कैसे मिलूंगा, बट कोई बात नहीं मैं यहाँ जंप करता हूँ, प्लीज बचियो मत। ओ व्हाट, अरे यार ये तो लॉक है, एक सेकेंड ग्रैनी कहाँ से आएगी भाई, वो गेट लॉक है मतलब गैराज वाला, ये क्या मजाक है भाई, कसम से बहुत हार्ड है फिर ये तो, मैं यहाँ से जाऊँ कैसे। वो आ गई छत ऊपर है मेरे, मुझको स्क्रू से पक्का एक ही चीज खोलनी है ना, वो ऊपर खोलनी है। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसे देखता हूँ, बट कुछ होगा नहीं। ओ पीछे आ जा, बढ़िया ग्रैनी पीछे आ जा, ये ग्रैनी ना उसकी तरह भी नहीं है अपनी वाली, पहली वाली जो ग्रैनी है जिसकी तरह, आ जाए ऊपर, ऊपर गई बढ़िया। मैं जाऊं क्या पीछे, ऊपर जा रही है। ओ नहीं 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 नहीं, मैंने गलती कर दी, मैं फंस गया, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं फंस गया हूँ, वो मुझे बिल्कुल ही पता। ए, ए, बढ़िया ग्रैनी वो रही आगे सामने, हल्का सा दिख रहा है बिल्कुल, बट मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं, एक सेकेंड मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे ये भी नहीं मालूम ना कि वो किस साइड गई है, और मैं कहाँ आया हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, मैं बस मुड़ता चला गया, सीधा भागता चला गया। एक सेकेंड देखूँ गैरेज के लूँ, अरे ये जिसका गली चाहिए। वाह मैं फंसा कहाँ हूँ, मैं आया कहाँ से था, मैं इस साइड से आया था ना, हाँ चलो कोई नहीं हम किसी जगह तो आ गए। लेकिन नहीं मुझे स्क्रू अपना खोना नहीं है, मुझे सबसे पहले ना स्क्रू अपने को लगा कर आना होगा भाई। इसमें कुछ है, हैमर, ठीक है हमें हैमर पता लग गया कहाँ है, मैं सामने से आया हूँ। वो आ रही है क्या, भाई ये तो हिल ही नहीं रही अपनी जगह से, ऐसे में पारी नहीं कर पाऊंगा, ये क्या मतलब है, आ गई ये रही, ओ देखा तो नहीं ना, शुक्र है ठीक है। यार मैं ऐसे फिर जाऊंगा कैसे, तो वहीं पे खड़ी है, मुझे कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा निकलने का, यहाँ से पक्का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो होगा यार जाने का यहाँ। ओ ओ नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना, मैं इससे अच्छा वापस जाता हूँ उसी रास्ते जिधर से आया हूँ मैं, उसकी परछाई दिख जाती है वैसे अगर होती भी है ना तो। नीचे जा प्लीज प्लीज नीचे जा ग्रैनी, अरे बड़ी हरामन है यार, क्या कसम से लड़की है औरत है क्या है ये भाई, विचित्र प्राणी है। मैं अपने पीछे भगाऊंगा, मुझे मालूम था, कोई बात नहीं मुझको यही करना ही है, मुझे इसको पीछे भगाना था अपने। ये देख रहे हैं क्या हरकत था ये, मैं नहीं हूँ दादी, मैं नहीं हूँ दादी इधर। ओके सो दो नट खोल दिए, वो एक्चुअली आ रही थी वो, इसीलिए तभी मैं भाग के यहाँ पर आकर दो नट खोल दिया, दो नट और बचे। यार ये तो मजा आ रहा है इस गेम में भाई कसम से, मतलब क्लासिक ग्रैनी भी अलग लेवल की है, बट ये ग्रैनी भी कुछ तगड़ी है भाई। अरे ये पता नहीं क्या अजीब सी चीज मिली, कोई नई चीज है ये, मुझे नहीं पता क्या है, क्या लिखा है इसका, लीवर आर्म। सो ये मे भी शायद मेरे ख्याल से वहां पे लगेगा अपना गेट खोलने के लिए, क्या कहते हैं ये ग्रैनी का जो गैराज है ना वो खोलने के लिए लगेगा, क्योंकि वहां पर लिखा तो था नहीं क्या लगेगा। और मैं अब यहाँ से आवाज करूंगा और यूं निकलूंगा, बढ़िया ये बगल वाले रूम में आई। अरे मम्मी तेरी भैंस की, मैंने देखा, मैंने उसको देखा क्यों नहीं, वो मुझको लगा सामने है क्या यार। अरे उठा ले चचा, यार ये कभी कभी दिक्कत देता ना बड़ा, गुस्सा। यहाँ से लाइट उठा लिया, इस रूम में तो कुछ नहीं है ना, नहीं इस रूम में तो वैसे कभी नहीं रहता कुछ भी। अब हम नीचे आ गए, कोई नहीं ठीक है हम एक्सप्लोर कर सकते हैं अब नीचे का भी, हमको प्लायर चाहिए, यहाँ पे वो जो बिछा हुआ है ना भाई, ये क्या है सच में भाई। मैं एक काम करता हूँ यूं आवाज कर देता हूँ ताकि ये रास्ते से हट जाए पूरे, इनमें से किसी में कुछ नहीं है। अरे हैमर था इसमें, ठीक है हैमर से वाट वाओ, मैंने हैमर फिर से बिना मतलब को उठा लिया, हैमर से मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि हैमर तो गेट खोलने के लिए काम आएगा ना। सो ओके ठीक है मैं इधर से अपना टायर ले लेता हूँ, देखा रास्ता क्लियर करने का ना यही फायदा होता है, ये रहा
मुझे मालूम है मैं स्लो चलने वाला हूँ बहुत। वो दिख भी नहीं रही ना, अंधेरा हद से ज्यादा है। मैं ब्राइटनेस नहीं वो कर सकता, बढ़ा सकता क्या? हाँ ब्राइटनेस, ओ भाई शुक्र है, चलो ब्राइटनेस बढ़ा लिया। पर कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा है, हल्का सा कम कर लेता हूँ इसको। मैं इसको 2.6 पे कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, इतना ब्राइटनेस चलता है। मैं यहाँ पे लाके सारी चीजें अपनी इकट्ठा कर रहा हूँ, बल्कि मुझको यहाँ से बहुत दिक्कत होने वाली ले जाने में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने ब्राइटनेस अभी भी ज्यादा ही बढ़ा रखा है। हाँ अब ठीक है। अबे भाई ये नीचे तब से घूम रही है। मैं सच में सोच रहा हूँ कि ये कहीं और है क्या। भाई ग्रैनी तू बड़ी बेकार है यार, बेशरम है तू तो। वो यहाँ पे पता नहीं क्या कर रही थी यार चुड़ैल कहीं की। ये देखना कुछ भी नहीं है यार। गेट खुल गया, मैं एक बार ग्रैनी को अपने पीछे बुला। अरे एक सेकेंड, मैं गाइस मैं इसको ओपन ही नहीं कर पा रहा, मैं ग्लिच में फंस गया। वाव क्या यार, मैं ग्लिच में फंस गया हूँ। मैं लास्ट वे बिना मतलब के मेरी एक लाइफ चली गई, मैं ग्लिच में फंस गया हूँ। वाओ वाओ भाई क्यों ग्रैनी, मैं उसको ऑपर ही नहीं कर सकता था क्योंकि एक्चुअली मैं आगे की साइड चला गया था। लास्ट डे गया, मुझे लगा मैं इधर पार कर जाऊंगा, मेरी सारी की सारी मेहनत टोटली चली गई। जल्दी मार दे ग्रैनी प्लीज, मेरे को मन नहीं कर रहा बोलने का कुछ भी। भाई ये बहुत बुरी है, बहुत बुरी है तू ग्रैनी, बहुत बुरी है। चीटिंग से मुझको 2 बार मारा है इसने, पता है मुझे इस बार ना सबसे पहले मुझको नीचे का जो पूरा फ्लोर है ना मुझे उसे स्कैन करना, मतलब स्कैन नहीं मतलब पूरा उसे सर्च करना है, क्योंकि ना यार वहां पे बहुत कुछ है, मतलब हद से ज्यादा वहां पे चीजें हैं। सो मुझे उन सब चीजों को पहले वो पूरा मतलब सर्च करना होगा। मुझे पता है मेरे रूम के अंदर तो कुछ नहीं मिलने वाला मुझे, ठीक है। क्या था ये तो भाई, क्यों खिला रहे हो? सामने पड़ी हुई है तो कैसे मत दो, काम करो ना एक लाइफ दे दो, सीधी सी बात है, इतनी चीटिंग करवा रहे हैं यार। मैं सबसे पहले ऊपर जाता हूँ और यहाँ वाला जो रास्ता है ना, यहाँ पे जो आवाज होती है मैं उसको पूरा एक्टिवेट कर देता हूँ। हाँ यहाँ पे अभी आवाज आएगा क्यों करके, और इसको यूं खोल देता हूँ, ठीक है। ओके सो रिमोट मैंने ले लिया था, और ठीक है हमको ये लीवर मिल गया, और इस लीवर को मुझे मे बी शायद सामने लगाना है। ओके सो यहाँ पे लगाया और इसे खींच दिया, ठीक है। और अब मेरे को सबसे पहले स्क्रू ड्राइवर लेकर आना है। कितने आराम से मैं यहाँ खड़ा हूँ और वो जा रही है। और अभी फिलहाल जब के लिए वो इधर जा रखी है, मैं इधर पूरा स्कैन कर लेता हूँ इधर क्या क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम यहाँ से भी तो जा सकते हैं ना। ओ ओ वो यहाँ से क्यों आई? प्लायर मिल गया, बढ़िया। मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, मैं प्लायर से सारे वायर्स काट दूंगा, ठीक है। सबसे पहला टास्क मेरा ये है सारे वायर्स को काटना, ताकि जो नीचे की एरिया है ना मैं एरिया आराम से घूम सकूं। ओके सो गाइस वो ऊपर गई है, ठीक है। मैं जाके नीचे का वायर प्लायर काट देता हूँ, जो भी कुछ चीजें नीचे थी ना उन सबको मैं काट देता हूँ, क्योंकि वाटरमेलन से अपने को मिलेगा कुछ समथिंग आ जाती है, और बच्चों की जान लेने पे तुल जाती है। ओ देखो मैंने कहा था ना भाई ये बहुत तेज है, बट मैं भी इसका बाप हूँ। ले मैं फंस गया, वो गेट नहीं खुलता, ठीक है। ओके मेरे को क्लच करना होगा ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको खोलता हूँ और इसके अंदर छुप जाता हूँ, बस सिंपल। सो सेफ की खुल जा, ये देखना क्या है। वाओ वाओ वो क्या था, डोर की था, शिट क्या है, बैटरी। ओके सो बैटरी को भी मैं यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि देखो बगल में ही अपना ये है गैराज है, तो हम फालतू की मेहनतें क्यों करें कि दूर दूर जाके फेंकें, तो हम बैटरी यहाँ फेंकते हैं और टायर भी लाके इधर ही फेंक देते हैं। ओके सो ये रेडिएटर मैंने यहाँ फेंका। ओके सो 2 व्हील अपने, 4 आइटम यहाँ हो गए, 4 आइटम हो गए, 5वां आइटम हो गया अपना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमको एक बोनस डे मिल गया। मैं गया, आई होप मैं, वाओ क्या बात है, बस यही तो देखना रह गया था। ओके सो गाइस
मेरे ख्याल से मेरे लिए आज के लिए बस इतना ही होगा। मैं सच बताऊं तो भाई ये बहुत ज्यादा हार्ड है यार, एक्चुअली सच में हार्ड है। मैं मीडियम पे खेल रहा हूं तो ये हाल है मेरा, और एक्सट्रीम पे खेल पता नहीं गाइस, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम इसको पक्का कंप्लीट करूंगा। मुझे बहुत देर हो गई रिकॉर्डिंग करते हुए, मैं सच में थक गया हूं, मुझे और भी गेम्स खेलने हैं। तो आई होप गाइस आपने ये एंजॉय किया होगा। मैं जानता हूं मैं कार स्किप नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करेंगे अगली बार हम पक्का। सो आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मैं आता हूँ।